बहुत ही ज़बरदस्त लुक है। अब मैं आपको तीनों दिखा देता हूँ कि तीनों में किस तरह है। देखो ये इस पे के बाद हमारे मीडियम ये है, उसके बाद ये है, तो आपको जो भी अच्छा लगे आप वो यहाँ से। तो मुझे इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि भाई हमें मिडजर्नी के बताओ, मिडजर्नी फ्री कैसे यूज़ करें, हमारा फेस नहीं मिल रहा। बहुत लोग ऐसा बोल रहे कि सर्वर नहीं मिल रहा। तो भाई अब आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, नहीं आपको सर्वर ढूंढना, नहीं आपको सब्सक्रिप्शन खरीदनी और ना ही आपको किसी वेबसाइट को यूज़ करना, क्योंकि मैं आज आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेके आया हूँ ना भाई, आप उसमें अपना फोटो डाल के और कुछ इस तरह के फोटो जनरेट कर सकते हो। HD हाइपर क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी, मैं ये कह सकता हूँ कि आपको इस तरह के रिजल्ट मिड जर्नी में भी नहीं मिलेंगे। तो गाइस अवतार बनाने के लिए एग्जैक्टली हम यूज क्या करने वाले हैं, तो वो आपको वीडियो में लास्ट तक पता चल ही जाएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है और क्या नहीं करना है। और अगर कुछ लोगों को जानकारी भी है तो वो उनको भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अपडेटेड वर्जन है, वो पुराने वाला नहीं है। और जहां से मैं बताऊंगा आपको वहीं से यूज करना है, वरना आपके फोटो नहीं भी बन सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर उससे पहले मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो बहुत फाड़ू बनी है, तो वीडियो को भी अभी लाइक कर दो। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कॉमेंट बॉक्स नीचे है, तो उसमें कमेंट करके जरूर बताना। लेट्स गो। तो गाइस सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आ जाना है, जैसे आप देख ही रहे होंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान से ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप कुछ मिस्टेक कर देते हो आपकी पिक्चर जो है बनने के बजाय वो बिगड़ भी सकती है, ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देखना, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा चूज़ फोटो, ठीक है, तो आपको क्या करना है डायरेक्ट इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस हमें क्या करना है, एक फ़ोटो लेना है, जो भी हमें यहाँ से एडिट करना है वो हम फोटो यहाँ पर ले लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एक फोटो ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये वाली फोटो ले ली है। उसके बाद आपको एक नीचे एरो दिख रहा होगा रेड पिंक कलर में, आपको क्या करना है सीधा इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो आपका फोटो आगे चला जाएगा, यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस लेगा, ठीक है। आप देख सकते हो AI इज लुकिंग फॉर अ स्टनिंग लुक फॉर यू, ठीक है। तो आपको नीचे में कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, फीमेल, मेल और अदर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मेल पे ही क्लिक रहने देना है, ठीक है। अगर आप फीमेल हैं तो आपको फीमेल कर देना है, ठीक है, बाकी मेल पे रहने देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ सकता है, उसके बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरह की फ़ोटो आपके सामने बन के आ जाएगी। देखो यहाँ पे पहली वाली जो हमारी फ़ोटो थी और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ गया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये जो फोटो आप देख रहे हो ये कुछ भी नहीं है, आपको और भी मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आप बहुत ही खतरनाक फोटो अपनी बना सकते हो इस AI के थ्रू। तो गाइज आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे कुछ, तो आप ऊपर देखेंगे तो आपको, जैसे मैं यहाँ पे स्लाइड कर रहा हूँ, कुछ ये हो गए, ठीक है। उसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको नीचे भी कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। देखो आप सबसे नीचे देखेंगे तो ऐड ओरिजिनल, ये क्या है कि आपका अगर फोटो ओरिजिनल वाला यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे सिंपल कर सकते हो। उसके बाद आपको नीचे में एक यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा लो, जिस पे लिखा हुआ है, उसके बाद मीडियम और सुपर, ये दो ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है गाइज, अगर आप मीडियम पे क्लिक करते हो तो आपकी एक और फोटो कुछ अलग डिफरेंट जनरेट हो जाएगी, सुपर पे करते हो तो उससे भी एक अलग जनरेट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे पहले यही ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मीडियम पे क्लिक कर देता हूँ। गाइज जैसे आप इतना काम करते हो आपकी फ़ोटो क्या प्रोसेस में चली जाएगी, थोड़ा यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ सकता है, क्योंकि AI है तो टाइम तो लेगा ही, क्योंकि ये फ़ोटो जनरेट करता है अपने ओर से, ठीक है। बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरह की हमारी फ़ोटो जनरेट हो गई है, इसमें हमारे बाल चेंज हो गए हैं। अगर आपको ये फ़ोटो पसंद नहीं आ रही, मान के चलो अगर आपको पसंद नहीं आ रहे बाल अपने, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस पर ही क्लिक करना है, और सुपर वाला जो ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करना है, या फिर आपको इसी पर रहने देना अगर आपको ये अच्छा लग रहा है। बाकी हम जाएंगे ऊपर, जो ये ऑप्शन दिख रहे हैं आपको ऊपर इस तरह के इफेक्ट दिख रहे हैं, तो आपको क्या करना, देखो यहाँ से कुछ इफेक्ट ऐसे गए जो आपको ट्राई नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही बेकार है कुछ। तो आपको करना कौन सा है मैं वो आपको बता देता हूँ। पहले मैं यहाँ से स्टार्टिंग कर लेता हूँ, स्टार्टिंग से, तो मैं पहले ये वाला ट्राई करके आपको दिखाता हूँ कि ये वाला किस तरीके का है, और आपको करना कौन सा है एग्जैक्टली अपने फ़ोटो में, जो जिससे ज़्यादा बेटर लुक आएंगे आपकी फ़ोटो में और बिल्कुल रियलिस्टिक लगेगी, तो वो आपको फिर लास्ट में बताऊंगा कि किस तरह से आपको वो यूज़ करना है। देखो जैसे मैंने ये किया, आप फ़ोटो की क्वालिटी और फ़ोटो आप देख सकते हो यार कितनी ज़बरदस्त लग रही है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लग रही है, मुझे इतनी ज़बरदस्त लग रही है, आपको कैसी लग रही है जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ। अभी हमारे पास में ऑप्शन है, देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो आप मीडियम पे क्लिक करेंगे और सुपर पे क्लिक करेंगे, इन दोनों में आप डिफरेंस देखना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मीडियम पे क्लिक करता हूँ,
मीडियम पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरह का लुक आ रहा है, जो कि बहुत ही हैवी और बहुत ही खतरनाक देखने में लग रहा है। ठीक है, तो गाइस अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसको भी रख सकते हो, अदरवाइज आपको नीचे सुपर वाला में एक बार दिखा देता हूँ कि सुपर वाले में किस तरह का लुक आता है। तो मैं सुपर पे क्लिक करूंगा और उसके बाद हम रिजल्ट देखेंगे कि किस तरह का रिजल्ट हमें देखने मिलेगा। बाकी गाइस मैं आपको एक चीज यहाँ पे और बताना चाहूंगा, आपको जहां से मैं बताऊंगा ना प्लीज आप वहीं से कर लेना, वरना फिर आप बाद में कमेंट करेंगे कि भाई हमारा नहीं बन रहा। जहां से मैं बताऊंगा वहीं से आपको ये करना है। तो यार सुपर पे जैसे ही क्लिक किया तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का लुक आ रहा है, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही जबरदस्त लुक है। अब मैं आपको तीनों दिखा देता हूं कि तीनों में किस तरह है। देखो ये हमारा सुपर वाला है, ठीक है, इसके बाद हमारा मीडियम वाला ये है, उसके बाद लो वाला ये है। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप वो यहां से सेव कर लेना। ठीक है, तो सुपर वाला भी अच्छा लग रहा है मुझे, तो लो वाला ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है, तो आपको लो वाला अगर रखना है तो कोई भी जो भी आपको अच्छा लगे। अदरवाइज मैं यहाँ पे एक फ़ोटो चेंज करके दूसरी दिखा देता हूँ आपको कि किस तरह से हमें एक और चेंज करके ये करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फ़ोटो ले लूँगा। ठीक है, तो मैं इसको एरो पे क्लिक करता हूँ क्योंकि ये क्रॉप करना है, तो ये हो जाएगा, फिर से हमारा उसी प्रोसेस में चला जाएगा, फिर हमें थोड़ा यहाँ पे फिर से वेट करना पड़ेगा और जैसे ये होता है फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह के रिजल्ट मिलते हैं। से अच्छी क्वालिटी के रहते हैं वो कैसे यूज करना है। ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हो इसके कुछ लुक इस तरह का देखने मिला है, वो थोड़ा बहुत वियर्ड लग रहा है, बहुत अलग लग रहा है, तो हम यहां से इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो मैं इधर स्क्रॉल करूंगा और ये वाले पे क्लिक करूंगा क्योंकि ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत ही रियलिस्टिक है और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है अपने फोटो में। ठीक है, अभी हम इस पे देखते हैं कि ये किस पे किस तरह का लग रहा है। ठीक है, अदरवाइज हमारे पास में और भी कई ऑप्शंस हैं, मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो गाइस देख सकते हो यार कुछ इस तरह का हमारे सामने ये इसका लुक आ गया है AI के थ्रू जो बना है। ठीक है, अभी हम ये वाला चेक करते हैं। ठीक है, वो हमने पहली वाली पिक में भी किया था और इस वाली में भी करके देख लिया, अभी हम ये वाला ट्राई करते हैं कि ये किस तरह का लुक हमें दे रहा है। ठीक है, तो गाइस यार देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त लुक इसने हमें दे दिए हैं, क्योंकि आप जो हमारी फ़ोटो थी और उससे बहुत डिफरेंट है और ज़्यादा मतलब इसमें चेंज वगैरह भी नहीं है। मतलब आप फ़ोटो देखो, मतलब फेस देखो आप, बिल्कुल मैच है, और अदरवाइज़ कपड़े वगैरह तो इसने चेंज कर ही दिया है, वह तो अच्छी बात है, बाकी ये फेस देखो बहुत सिमिलैरिटी लग रही है। अभी अगर आप इसमें चेंज करना चाहो यहाँ से क्लिक करके, और मीडियम वगैरह और सुपर वगैरह आपको पता ही है, मैंने आपको बताया, तो आप यहाँ से चेंज करके भी देख सकते हो। ठीक है, मीडियम में तो हम क्या करेंगे इसको लो में ही रखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें अलग अलग ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आपको सब कुछ समझ आ ही गया होगा कि आपको यूज किस तरह से करना है और क्या आपको करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है गाइज, यहाँ पे हमें सेव करना है। तो सेव करने के लिए नीचे आप देखेंगे तो सेव एंड शेयर का आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते तो ये डायरेक्ट आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से गैलरी में सेव हो गया है। अगर आप यहाँ पे चाहो तो चेंज करके देख सकते हो जितनी मर्जी, इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहो जितना यूज़ करो, बिल्कुल फ्री है। गाइज अभी हम बात कर ले कि इसको हमें डाउनलोड कहाँ से करना है और किस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, किस तरह से यूज़ करना है वो तो आपको पता लग ही गया। ठीक है, आपको डाउनलोड कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। देखो इसी वीडियो के नीचे लिंक है, डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर मेरे टेलीग्राम की आपको लिंक मिलेगी। ठीक है, तो आपको उस पर क्लिक करना है। टेलीग्राम में मैंने इसकी लिंक प्रोवाइड कर दी है, तो प्लीज़ यार आप वहाँ पे जाओ, मेरा चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना, और वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगी, डायरेक्ट आप वहीं से उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आई होप कि गाइज आपको वीडियो पसंद आई हो। यार अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं आपसे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।